नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक और नया अध्याय लेकर। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक नई स्वाति पाठमाला का अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जल ही जीवन है। इसके लेखक है श्री सूर्य प्रसाद दुबे। लेखक ने इस अध्याय में जल के महत्व के बारे में बताया है। जल ही जीवन है ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य भोजन के बिना तो कई दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना यह संभव नहीं है। वह कुछ समय में ही अपने प्राण त्याग देता है। अच्छा बच्चों, बताइए कि हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं, क्या आप जानते हैं? हाँ, पानी का उपयोग हम बहुत से कार्यों के लिए रोजमर्रा में करते हैं। पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और भी अन्य कार्यों के लिए हम पानी का उपयोग रोजाना करते हैं। इसके अलावा हमारे जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का अर्थ है जो हम चीजें खाते हैं, उनमें भी पानी की मात्रा कुछ न कुछ प्रतिशत होती ही है। हरी सब्जियों में तो पानी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए बच्चों आपको बार बार हरी सब्जियां खाने के लिए बोला जाता है। आप हरी सब्जियां खाना, अगर आप नहीं भी खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए। खीरे और ककड़ी में 95% तक पानी होता है, तो पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो खाद्य पदार्थ है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, तो हमें हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। कृषि, कृषि का अर्थ है किसान जो फसल बोता है खेतों में, इसमें भी क्या है, पानी की आवश्यकता अधिक होती है। अगर कृषि पे पानी नहीं मिलेगा समय पर तो कृषि संभव नहीं है और खाद्य पदार्थ भी हमें समय पर नहीं मिलेंगे, तो बिना पानी के कृषि भी क्या है, संभव नहीं है। और भी बहुत ऐसे लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग है, धंधे है जिसमें पानी की आवश्यकता होती है और उसमें पानी का उपयोग किया जाता है, जैसे भाप का इंजन चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। साबुन का व्यापार जो कर रहे हैं, उद्योग धंधे जो कर रहे हैं, उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार पानी जो है वह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम अगर ये कहते हैं जल ही जीवन है तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। पानी जो है वो एक ऐसा घोलक तत्व है जिसमें कोई भी पदार्थ घुल जाता है, जैसे चीनी है, नमक है। आप देखते हैं कि हम जब नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें चीनी, नमक कुछ भी घोलते हैं तो वो आसानी से घुल जाते हैं। यह एक ऐसा द्रव पदार्थ है जो अन्य पदार्थों की अपेक्षा घोलने की क्षमता अधिक रखता है। इसके इस गुण के कारण इसके कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है? जैसे हम टीन की बाल्टी में पानी रख देते हैं और उसे 3-4 घंटे बाद हम उसे पीने के लिए उपयोग करते हैं, तो क्या होगा कि जब हम उस पानी को पिएंगे तो वो जो टिन है उसका टेस्ट, उसका जो स्वाद है वह हमें आएगा। तो इसके कुछ इसके गुण के कारण ही ये ऐसा संभव हो पाता है। आपने देखा है पानी जब हम रात भर बंद रखते हैं और सुबह जब हम पानी उसमें से निकालते हैं तो उसमें लेड, शीशा जिसे बोलते हैं, उसका अंश भी कुछ उसमें आता है। पीने का पानी कैसा होना चाहिए बच्चों? पीने का पानी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पीने का पानी रंगहीन, गंधहीन, ठोस पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। रंगहीन का अर्थ है यहाँ पर कि उसमें कोई भी रंग नहीं होना चाहिए। गंधहीन का अर्थ है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार की गंध नहीं होनी चाहिए, कैसे भी उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह जो हम पानी पीते हैं वह बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पीने के लिए मुख्यतः हम 3 प्रकार के स्रोतों से पानी प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके मुख्य 3 स्रोत है। पहला है वर्षा द्वारा, हम वर्षा द्वारा पानी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल कौन सा, नदी और तालाब
जो है उससे हम जल प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरा है पृथ्वी तल पर जो जल है उसे हम प्राप्त करते हैं। सबसे अच्छा जो पानी है वह कौन सा होता है? सबसे अच्छा पानी वर्षा द्वारा प्राप्त जो पानी है वो सर्वोत्तम पानी है। सर्वोत्तम का अर्थ है सबसे अच्छा। इसके बाद भूमिगत जल आता है जो मध्यम उसमें आता है। पृथ्वी तल के ऊपर का जो पानी है बच्चों वह सबसे निकृष्ट होता है। यहाँ निकृष्ट का अर्थ है सबसे घटिया। तो इसलिए हमें सबसे अच्छा पानी कौन सा है? वर्षा का पानी। हम पीने के लिए कौन सा पानी प्रयोग करेंगे? बारिश का पानी। लेकिन क्या है कि बारिश का पानी हम पीने के लिए प्रयोग तो करते हैं, पूरे वर्ष के लिए अगर हमें पानी चाहिए तो हम इसको एकत्र करके नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? इतना सारा हमारे पास कोई ऐसा कोई बर्तन नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जिस पर हम पूरे साल का पानी इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसलिए हमें अधिकतर किस पे निर्भर रहते हैं? भूमिगत जल पर निर्भर रहते हैं। तो भूमिगत जल जो है उसके अंदर अनेक ठोस पदार्थ होने के कारण, अनेक उसके अंदर खनिज पदार्थ होने के कारण क्या होता है कि उसका पानी जो झरनों में से निकलता है, कहीं पर उसका पानी हल्का और कहीं पर उसका पानी भारी हो जाता है। इस प्रकार पानी का जो स्वाद है वह हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। शहरों के अधिकतर लोग पानी के लिए नदियों, तालाबों, झरनों आदि पर निर्भर रहते हैं। वह पानी इतना शुद्ध नहीं होता है, उसमें अनेक खनिज पदार्थ व विषैले जीवाणु होते हैं। इसलिए उस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे शुद्ध करने का उपाय करना चाहिए, और उसको पानी को शुद्ध करने के लिए हम कई प्रकार के प्रयोग करते हैं जिससे पानी शुद्ध हो जाता है और उसे पीने लायक बनाया जाता है। पानी को शुद्ध करने के उपाय, पानी की सतह पर अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर पानी को शुद्ध किया जा सकता है। क्लोरीन तथा ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर उसके द्वारा भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं। ओजोन गैस तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करके भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा हम पानी को उबालकर भी शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग उपाय और प्रभाव के द्वारा हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं और उसे पीने योग्य बना सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो पीने का पानी है वह बहुत ही कम रह गया है, क्योंकि क्या हो रहा है, हम पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसे बचाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इससे पानी हमारा दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। लोग उसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं। नदियों में लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पशुओं को नहला रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ पे की जो फैक्ट्रियां हैं उसका कचरा भी नदियों में मिल जाता है। इस तरह से हमारा जो पानी है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमें पीने योग्य पानी भी दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ का अर्थ है यहाँ पर जो चीज हमें आसानी से ना मिले। इस तरह से पानी का जो महत्व है हमारे जीवन में और घटता जा रहा है। पानी को शुद्ध करने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। इस तरह से जल प्रदूषण क्यों होता जा रहा है, किस वजह से होता जा रहा है? जल प्रदूषण के बहुत से कारण है। खनिज पदार्थों द्वारा जनता की लापरवाही के कारण जल प्रदूषण होता जा रहा है। वनस्पतियों द्वारा जल प्रदूषण होता जा रहा है। मृत प्राणियों द्वारा जल प्रदूषण हो रहा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वह प्राणियों द्वारा जल प्रदूषण हो रहा है। सबसे घातक प्राणियों द्वारा होता है जल प्रदूषण, कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार है, रोगी है, वह सभी प्रकार के स्त्री पुरुष नदियों में नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और इस तरह से वहाँ का जो मल है, कूड़ा है, कचरा है, वह सब आकर नदियों में मिल जाता है और जल को प्रदूषित कर रहा है। इस तरह से जल क्या होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो हमारे लिए जल बहुत ही कम रह जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमें जल मिलेगा ही नहीं। तो हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए। जल प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? जल को हम नदियों में कूड़ा ना डालकर साफ कर सकते हैं। नदियों और तालाबों को साफ रखा जाए, उसमें कूड़ा ना डाला जाए, फैक्ट्रियों का जो कूड़ा है उसे अलग से फेंका जाए, और नगर के जो गंदे नाले हैं उसमें उनको ना मिलने दिया जाए। इस प्रकार हम अपने
जल प्रदूषण को रोक सकते हैं और जल को बचा सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जल हमारे लिए कितना उपयोगी है बच्चे, आपको तो पता चल ही गया होगा। तो आइए मेरे साथ एक वादा कीजिए, जो आज आपको मेरे साथ साथ करना है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, आओ मिलकर कसम खाएं, बूंद बूंद पानी की बचाएं। बच्चों आपको मेरे साथ ये वादा करना है कि हम पानी व्यर्थ नहीं करेंगे, पानी की एक एक बूंद बचाएंगे। घर पर अगर आपका नल खुला रह जाता है तो आप उसको समय पर बंद करेंगे, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बचे हुए पानी को पौधों में देंगे। इस तरह से आप पानी की एक एक बूंद बचाएंगे तो हमारे लिए पीने योग्य पानी बचेगा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो स्लोगन मैंने आपको बोलकर बताया है, इसी तरह आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 43 पर दो स्लोगन अपने आप लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए पाठ के साथ। धन्यवाद।